खबर गाजियाबाद से है, जहां जज से झड़प के बाद वकीलों की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में फिरोजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आक्रोशित होकर जुलूस मार्च निकाला और जोरदार नारेबाजी भी की। साथ ही जज और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM शिकोहाबाद को सौंपा। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को गाजियाबाद में जिला जज द्वारा पुलिस के साथ मिलकर निहत्थे अधिवक्ताओं को कोर्ट रूम में पिटवाने की घटना से प्रदेश भर के वकील आक्रोशित हैं। वकीलों का कहना है कि इस घटना के बावजूद अब तक ना तो जिला जज के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और ना ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। वकीलों ने यह भी आरोप लगाया कि जब न्यायिक अधिकारी खुद अधिवक्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज करवाते हैं तो न्याय का विश्वास कैसे किया जा सकता है। आपको बताते चले कि इस प्रदर्शन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिओम यादव सहित सैकड़ों वकील शामिल हुए, जिन्होंने पुलिस द्वारा उनकी आवाज दबाने की कोशिश के बावजूद सड़क जाम करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस बल की चौकसी के चलते जाम नहीं लग सका। वकीलों का गुस्सा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था और उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उनका आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। अक्टूबर को गाजियाबाद में जिला जज द्वारा कोर्ट रूम के अंदर निहत्थे अधिवक्ताओं पर जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाई गई थी, उसमें जो हमारे 8-10 अधिवक्ता घायल हुए जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो उस आंदोलन को लेकर गाजियाबाद के अधिवक्ता आंदोलित हैं। अपनी मांग गाजियाबाद के अधिवक्ताओं की कि जिला जज गाजियाबाद की बर्खास्तगी की जाए और जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके समर्थन पर आज हमारे द्वारा, हमारी बार द्वारा प्रदर्शन किया गया। हमने जुलूस निकाला और नारेबाजी की और राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के द्वारा हमने मांग की है कि जिला जज और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।